मधु सिंह के जो राजनीतिक आका हैं उनकी भी पहचान की जानी चाहिए और जिनको राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है उसकी भी जांच की जानी चाहिए। एक बिल्डर के यहाँ छापा पड़ता है और ललन सिंह तिलमिला जाते हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिल्डर गब्बू सिंह के ठिकानों पर आयकर की छापेमारी के साथ उन्हें राजनीतिक संरक्षण देने वाली आकाओं का भी जांच होना चाहिए। बता दें आपको कि सुशील मोदी ने एक तरफा ललन सिंह पर जो है निशाना साधते हुए इस तरीके का बात कहा है। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट बिल्डर और ठेकेदारों के यहाँ छापा पड़ने से जदयू अध्यक्ष ललन सिंह क्यों तिलमिलाए हुए हैं। ललन सिंह पर साफ तौर पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि ललन सिंह जदयू नेतृत्व वाली सरकार के को राजद के समर्थन के चलते यदि लालू परिवार के भ्रष्टाचार का बचाव करें तब तो समझा जा सकता है, लेकिन बिल्डर पर छापा पड़ने से किसी और को दर्द क्यों हो रहा है। इस तरीके का बात जो है सुशील मोदी ने कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो कौन सीनियर IAS अफसर है जिसे विकास आयुक्त बनाकर पदोन्नति देने के बाद जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त प्रभार दिया गया ताकि उच्च राजनीतिक पहुंच वाले ठेकेदार गब्बू सिंह को लाभ पहुंचाया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि आयकर विभाग को उन अफसरों के बारे में खुलासा करना चाहिए जिनका अरबों रुपए का कालाधन गब्बू सिंह के जरिए जो है वो निर्माण क्षेत्र में खपाया जा रहा है। सुशील मोदी ने कहा कि पटना के जिस बड़े रेस्टोरेंट मैन लैंड चाइना का उद्घाटन के समय जदयू के बड़े दो नेता पुरानी कठोरता भूलकर फिर से मिल गए थे, उस रेस्टोरेंट से गब्बू सिंह का क्या संबंध है। आयकर विभाग की इसकी भी जांच करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जल संसाधन विभाग ने किस मंत्री के कार्यकाल में गब्बू सिंह के प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से करोड़ों रुपए का लाभ पहुंचा है, इसकी भी जांच होनी है। इस तरीके का सुशील मोदी जो है वो सवाल उठा रहे हैं और साफ तौर पर ललन सिंह पर जो है वो भड़क गए हैं और ललन सिंह को कह रहे हैं कि गब्बू सिंह के छापेमारी हुई तो ललन सिंह क्यों तिलमिलाए हुए हैं। आप उस बयान को सुनिए जो सुशील मोदी बोल रहे हैं। गब्बू सिंह के यहाँ आयकर का जो छापा पड़ा है उसमें केवल IAS IPS ही नहीं तो गब्बू सिंह के जो राजनीतिक आका हैं उनकी भी पहचान की जानी चाहिए और जिनको राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है उसकी भी जांच की जानी चाहिए। क्योंकि आश्चर्य की बात यह थी कि श्री ललन सिंह लालू यादव के पक्ष में खड़े होकर बयान दे रहे थे समझ में आ रहा था, लेकिन एक बिल्डर के यहाँ छापा पड़ता है और ललन सिंह तिलमिला जाते हैं, ये समझ में नहीं आता है कि बिल्डर के यहाँ इनकम टैक्स का छापा और तिलमिला रहे हैं ललन सिंह। और साथ ही साथ इनकम टैक्स को इस बात की भी जांच करनी चाहिए कि मेन लैंड चाइना नाम का एक रेस्टोरेंट जिसका पटना में उद्घाटन हुआ जिसमें जदयू के दो शीर्ष नेताओं का पुनर्मिलन हुआ था, उस मेन लैंड चाइना का गब्बू सिंह से क्या संबंध था। साथ ही साथ जल संसाधन विभाग जिसके अंतर्गत कौन थे मंत्री जब बिहार के विकास आयुक्त को अतिरिक्त प्रभार दिया गया था और जल संसाधन विभाग के अंतर्गत गब्बू सिंह की कंपनियों को करोड़ों का लाभ देने का काम किया गया था, कौन थे मंत्री, कौन थे उस समय के प्रधान सचिव और गब्बू सिंह को किस तरह का लाभ दिया गया, इसकी भी जांच जल संसाधन विभाग को करना चाहिए। साथ ही साथ IAS IPS अन्य जो पदाधिकारी हैं उनके भी नामों का खुलासा करना चाहिए जिनके काले धन को सफ़ेद करने के लिए गब्बू सिंह की कंपनियों का इस्तेमाल हो रहा था। तो इसलिए राजनीतिक